न्यूज 20 में आप सभी का इस्तकबाल है। चंद्रायन गुड्डा पुलिस स्टेशन हुरूर में आज निकाला गया फ्लैग मार्च। दोनों त्योहार मिलादुन्नबी और गणेश चतुर्थी के मौके पर शहर में गंगा जमुनी तहजीब के अमन को कायम रखने के लिए और अवाम में शऊर बेदारी करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के CI गुरुनाथ, DI रघु कुमार और SI पौचैया, SI अब्दुल जब्बार, DSI अब्दुल हुसैन और 120 कांस्टेबल के साथ ये फ्लैग मार्च निकाला गया। चंद्रायन गुट्टा के मुख्तलिफ इलाके कुमारवाड़ी, फूलबाग, MBNR एक्स रोड, बारकस, सलाला, टी जंक्शन, चंद्रायन गुट्टा एक्स रोड से होता हुआ चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन पहुंचा। मीडिया से बात करते हुए चंद्रायन गुट्टा SHO गुरुनाथ ने तमाम तफसीलात बताई। आइए सुनते हैं इसकी तफसील उन्हीं की जुबानी हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ की खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए न्यूज 20 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। उधर से ले आओ क्या? Thank you.
आज हमारे पुलिस स्टेशन चंद्रयान गुट्टा के अंदर हमारे कमिश्नर सर आनंद सर और साउथ ईस्ट डीसीपी रुपेश सर ने हमारे भी चंद्रयान गुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट्स के जितने भी गणेश पंडल के और आने वाला 28 को विसर्जन कार्यक्रम भी है वो त्यौहार के लिए बंदोबस्त टीम हमको दिया गया है। तो आज हम फ्लैग मार्च बारकास और पुलबाग चंद्रयान गुट्टा पूरी सराउंडिंग हमारे टीम से फ्लैग मार्च किए हैं नेशनल फ्लैग के साथ। फ्लैग मार्च इसलिए किए हैं कि हमारे जो भी आने वाला त्यौहार है गणेश विसर्जन और मिलादुल नबी ये दोनों भी रिलीजियस के बीच में भाईचारा कायम रहे और हमारे जो शहर का परंपरा रहा गंगा जमुना तहजीब वो यही अमन कायम करने के लिए हमारे पुलिस की तरफ से पूरा बंदोबस्त हम अरेंज कर चुके हैं और पब्लिक भी ये विषय को ध्यान में रखते हुए पूरा हमको कोऑपरेट करने के लिए और हम पब्लिक को कोऑपरेट करने के लिए ये पूरा जो भी है बंदोबस्त सही सलामत से शांति से पूरा होने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। कौन से एरिया में? आज हम चंद्रयान गुट्टा पुलिस स्टेशन चंद्रयान गुट्टा बारकास केशवगिरी टी जंक्शन महबूब नगर एक्स रोड चंद्रयान गुट्टा एक्स रोड पूलबाग ये एरिया में हम फ्लैग मार्च किए हैं। कितने ऑफिसर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें? पूरे 4 इंस्पेक्टर्स हैं और 8 सब इंस्पेक्टर हैं और 10 ये सही है और पूरे 89 कांस्टेबल ऑफिसर्स हैं। చెప్పు ఏర్పాటు చేయటకు గాను బయట నుంచి రామగుండం నుంచి సంగారెడ్డి ఆదిలాబాద్ నుంచి బయట నుంచి పోలీస్ ఫోర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో మేము లోకల్ నేను ఇన్స్పెక్టర్ మా డిఐ గారు మా ఎస్ఐతో పాటు ఈ రోజు చంద్రంగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఫ్లాగ్ మార్చ్ నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ ఫ్లాగ్ మార్చ్ ఏంటంటే మన ఇండియన్ నేషనల్ ఫ్లాగ్తో పాటు ఈ ఫ్లాగ్ మార్చ్ నిర్వహించడం జరిగింది। దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే రాబోయేటటువంటి మిలాదు నబి కావచ్చు లేదంటే గణేష్ చతుర్థి మన నిమజ్జనం కావచ్చు వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ప్రజలలో భక్తుల మధ్య ఎటువంటి పరస్పర వైరుధ్యం జరగకుండా ఎటువంటి గొడవలు జరగకుండా ఈ యొక్క ఉత్సవాలు అనేది శాంతియుతంగా జరుపుకోవడానికి మేము అన్ని రకాలుగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఇదే విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రజల్ని అత్యంత చేరువ వారి దగ్గరికి వెళ్ళి అందరికీ ఈ విషయాన్ని తెలియపరిచే విధంగా ఈరోజు మేము ఈ ఫ్లాగ్ నిర్వహించడం జరిగింది। वेरी गुड ऑफिस आता बेटे आ जाओ बेटे मारेंगे तुम्हें असल में बॉडी।